इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो। इतना जबरदस्त पग्घर पसीना का सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। मौत की घबराहट से पनाह मांगो। इतनी जबरदस्त घबराहट सारी जिंदगी में कभी नहीं आई। आखिरी वक्त है, करवटें बदल रहा है, कभी पैर इकट्ठे करता है, कभी हाथ मारता है, बेताबी है, उलझन है, बेकरारी, परेशानी है, आखिरी वक्त है। बेटी ने पूछ लिया, अब्बा जान क्या तकलीफ है? कहता लखते जिगर, खांसी नहीं, दर्द नहीं, पीड़ नहीं, बुखार नहीं, सांस लेता हूं ऐसा मालूम होता है हजारों कांटों वाली ढींगरियों के ऊपर से घिसट के सांस आ रहा हूं। कुल्लू नफ्सी दाइकतुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। सहाबा किराम ने सवाल कर दिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, काली कमली वाले आदमी की जान कैसे निकलती है? फरमाया रेशमी कपड़ा ले लो, खारदार झाड़ पे डाल दो, पल्ला पकड़ के खींच लो, जैसे वो तार तार हो जाता है आदमी की यूं रगों को तोड़ के रख दिया जाता है। हदीस पाक में आता है कि फरिश्ता रगों में गोता मार मार कर घसीट घसीट कर रूह को घसीट के लाता है। वल्ला ज़ियाति गरका, कसम है उन फरिश्तों की जो रूह को रगों में से गोता मार मार कर घसीट कर लाते हैं। आज मेरी तेरी क्या मजाल है, क्या जुरत है, कभी सोचा भी है कि ऐसा भी वक्त आने वाला है? ना जाने घर में मौत आएगी, ना जाने ऑपरेशन रूम में आएगी, ना जाने टीका लगते हुए आएगी, गोली खाते हुए आएगी, या सड़क पे एक्सीडेंट में मौत आएगी। कोई नहीं जानता दूध पाक पड़ते हुए मौत आएगी, या कंजरी का गाना गाते हुए मौत आएगी। इसलिए मजजूब कहता, जो दिल के जिंदगी पे न इतना उछल के चल, दो दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलाओ का है, जरा संभल के चल। हजारों तेरे जैसे आए, जब जाने लगे तो कोई दुनिया में अंधेरा नहीं हुआ। खुदा जाने ये दुनिया जलवागा है, नाज है किसकी ही, खुदा जाने ये दुनिया जलवागा है, नाज है किसकी ही, हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की। नवाब चले गए, राजे चले गए, सदर चले गए, वजीर चले गए, बड़े बड़े जज चले गए, दुनिया बुरी जगह कायम है। कभी तुमने भी सोचा कि हम भी जा सकते हैं? नहीं नहीं, हमें कौन हिला सकता है, हम बड़े मजबूत हैं, हमें कौन हिला सकता है। अफसरों को देखो, उनकी खोपड़ी बिगड़ी हुई, मुलाजमीन को देखो वो खुदा के कुरान के बागी, जिम्मेदारों को देखो वो मोहम्मद मुस्तफा के दीन के बागी, हम पीरों फकीरों मौलवियों को देखो बहाने बना बना करके दीन का सिद्धा नाश कर रहे हैं। तमाम आमाल खुदा के सामने, उसने बड़ों बड़ों को रगड़ दिया, तुम्हारी मेरी क्या हस्ती है। करोड़ों के मुरब्बों के मालिक दुनिया से चले गए, लाहौर अनारकली में चले जाओ, कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र पे जाके देखो, जिसका एक हुक्म मिलते ही दर्रे खैबर से चाटागांव की पहाड़ियों तक लर्जा मच जाता था। वहां जाके देखो लिखा, जिनकी डंके से गरजते थे जमीनों आसमां,
जिनके डंके से गरजते थे जमीनों आसमान, और घास है उनकी कब्र पर और निशान कुछ भी नहीं, झाड़ है उनकी कब्र पर और निशान कुछ भी नहीं। बादशाहों की कब्रों पे झाड़ खड़े हैं, बड़ी बड़ी रानियों की कब्रों पे झाड़ खड़े हैं, बड़ी बड़ी मलकाओं की कब्रों पे दरख्त खड़े हैं, बड़ी बड़ी हसीन आंखों को कीड़ों ने खा के खत्म कर दिया, ऐसे ऐसे लब सुरख बारीक पतले लब कीड़ों ने खा के मुका दिए। इसीलिए कुरान करीम ललकार के कहता है, फरमाया वालों भी कभी सुन फैदा हम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। जब कयामत का सूर फूंका जाएगा, हर आदमी अपनी कब्र से निकलेगा, कहेंगे कालू या वैलना मन बासना मिन मरकदिना हादा मा वादर रहमान व सदकल मुरसलून। कब्रों में अजाब भुगतने वाले लोग, दर्दनाक अजाब भुगतने वाले लोग, कयामत का खौफनाक मंजर देख के कहेंगे, इलाही हम सोए हुए थे, हमें किसने जगा दिया। कब्र का अजाब नींद मालूम होगा कयामत के अजाब के मुकाबले में। तुम्हें तो यकीन नहीं आता होगा, कहता होगा कारी हनीफ कहानी कह रहा है, हाँ जो मर गए उनसे जाके पूछो, जाओ कब्रिस्तान में जाके पूछो तुम्हारा क्या हाल है। जिनका मर जाता है वो अपने मुर्दे को उठाकर कब्रिस्तान में ले जाते हैं, कब्र खोदी, पुराना मुर्दे की हड्डियां निकल आई, उन हड्डियों को निकाल कर बाहर रखा, गाड़ा पकड़ाते, ईंट देते, अपनी मैयत को उतारते, उन हड्डियों पे पैर आ गया, उस खोपड़ी पे पैर आ गया जो पहली कब्र से निकाल के रखी थी। कहता उसमें से आवाज आई खोपड़ी में से, कहता कल पाओ काश है सर पर जो आ गया, यक्सर उसको खाना है शकिस्ता से चूर था, और जो खोपड़ी पैर के नीचे आई उसमें से आवाज आती है, जरा राह देख के चल और बेखबर कल मैं भी तेरी तरह सरे पुर गुरूर था, और पैर के नीचे चूर चूर कर देने वाले कल इस खोपड़ी पे बड़े अच्छे अच्छे दुपट्टे ओढ़े जाते थे, इतर की मालिश की जाती थी, हार डाले जाते थे, आज तेरे पैर के नीचे आकर मैं चूर चूर हो गया हूँ, कल को किसी के पैर के नीचे तू ही चूर चूर हो जाएगा।